शर्मा जी, जिन्होंने सफलता पूर्वक 3 साल सचिन के पद को सुशोभित किया। के 2020 से 2023 के लिए नीरज जी आग्रह करता हूँ कि आप ग्रहण करें। 6 साल का कार्यकाल ऐसे बीत गया जैसे लग रहा है कि कल ही शुरू हुआ हो, फिर भी अब नए लोग का चुनाव होना है और मुझे आशा है कि वो और ऊंचाई पर ले जाएंगे एसोसिएशन को। आज हम लोगों का जो आम सभा रखा गया है उसका मेन जो मोटो है वो है जिला क्रिकेट संघ के आगामी चुनाव, मतलब आने वाले समय में जो लोग पद को या पद को सुशोभित करेंगे उनके लिए, और दूसरा है कि कोई और चर्चा का विषय हो उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे, और तीसरा आय व्यय के बारे में भी चर्चा होगा। जब इस मुजफ्फरपुर जिला क्रिकेट संघ का गठन हुआ, पहले मुजफ्फरपुर स्पोर्ट्स एसोसिएशन हुआ करता था, उसके अंतर्गत सारे खेल यहाँ होते थे, लेकिन शायद 1975 से मुजफ्फरपुर का क्रिकेट निष्क्रिय था। मुजफ्फरपुर में क्रिकेट का एफिलिएशन भी खत्म हो गया था बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से। 1981 में इसका गठन हुआ और फिर इसको गठन तो 1980 में हो गया था, लेकिन एफिलिएशन भी मिला 1981। शायद मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का जो पहला टीम गया था उसके एक सदस्य सुरेंद्र जी भी बैठे हुए हम लोगों के सामने। सब के तरफ से स्वागत की कड़ी में सबसे पहले मैं चाहूंगा रंजीत कुमार जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं, वो अपने श्री चरणों के श्री हाथों से रवि किरण जी तो शॉल और अंगवस्त्र देकर उनका सम्मान करें, मोमेंटो देकर उनका सम्मान करें, एक बार जोरदार ताली हो जाए। अब किसी और विषय पर चर्चा मेरे ख्याल में अभी सही नहीं है, क्योंकि अभी जो लोग चर्चा करेंगे वो सारे के सारे निवर्तमान हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, तब तक मैं चाहूंगा कि आप इन 5 पदों के विरुद्ध जो नामांकन पत्र प्राप्त हुए वह नामांकन पत्र अध्यक्ष पद के लिए श्रीमती रचना शर्मा, उपाध्यक्ष पद के लिए श्री निशांत नीरज, सचिव पद के लिए श्री संजय कुमार वर्मा, संयुक्त सचिव पद के लिए श्री अभय कुमार शाही और कोषाध्यक्ष के लिए नीरज कुमार का नामांकन पत्र प्राप्त हुआ, और नामांकन पत्र जो शपथ पत्र के साथ प्राप्त हुआ उम्मीदवारों के, उसे जांच के बाद सभी नामांकन पत्र को वैध पाते हुए वैध नामांकन घोषित किया गया। नामांकन पत्र वापसी के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर किसी के द्वारा भी नामांकन पत्र वापस नहीं लिया गया, और इस प्रकार जो 5 पद के लिए चुनाव थे, चुनाव का प्रक्रिया चल रहा है, उसमें सभी पदों के लिए एक एक उम्मीदवार ने ही नामांकन किया है, इसीलिए इस चुनाव में मतदान की आवश्यकता नहीं थी, और जो नामांकन पत्र वैध पाए गए उनको संबंधित पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया। जो निर्विरोध है निर्वाचन घोषित किया गया है उसमें अध्यक्ष पद के लिए श्री ऋचा शर्मा, श्री रचना शर्मा को निर्विरोध अध्यक्ष पद के लिए घोषित किया जाता है, और उनका
निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र तैयार है, वो चाहे तो अभी भी प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा एसोसिएशन के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। यदि उपस्थित है तो अभी प्राप्त कर। उपाध्यक्ष है जो अभी जिला के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्वाचित घोषित की गई है। श्री संजय कुमार वर्मा जी को जो सचिव के रूप में निर्वाचित किए हैं, वो श्री क्रिकेट एकेडमी साई क्रिकेट एकेडमी के सचिव हैं।